चलिए, तो आज मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 11th की ये वीडियो है और 11th के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें। और क्योंकि मैं जीरो से मैं हीरो बनाने का काम करूंगा। क्योंकि याद रखें, स्टार्ट में आप लोगों को लगे क्या चीज़ की ये क्या पढ़ा रहे हैं यार, 9th के 10th के चीज़ें, बट याद रखना यार, पेशेंस रखना, ठीक है। क्योंकि मैं जीरो से उतने लेवल तक ले जाऊंगा कि जितना उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक जो है आप लोगों को तत्व के नाम सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करूंगा, ठीक है। तत्व के नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार, कुछ तत्वों को लिखवा रहा हूं, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि मैं यहां से टिक भी लगाते चलूँगा कि मुख्य मुख्य कौन से तत्वों को अगर आप याद कर लेते हैं, परमाणु संख्या, संकेत और ये परमाणु भार, जिसे न्यूमेरिकल आप लोग का आसान हो जाएगा, उसको मैं टिक करते चलूंगा, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, लिखवाना प्रारंभ करता हूं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। और ये लिखवाने के बाद तुरंत मैं परमाणु भार भी लिखवाने मतलब निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे कैसे एटॉमिक मास को निकाला जाता है किसी कंपाउंड का, किसी परमाणु का, किसी अणु का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ रहेगा तत्व के नाम, ठीक है, यानी क्या रहेगा तत्व का नाम, तत्व का नाम इसमें रख देता हूं, और इसमें रहेगा संकेत सिंबल, संकेत सिंबल। उसके बाद रहेगा परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या को याद करेंगे, जेड द्वारा सूचित किया जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। इसमें रहेगा परमाणु संख्या और इसमें रहेगा परमाणु भार, परमाणु भार, या इसी को बोलते हो आणविक परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हो, माफ कीजिएगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो, मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान, इसको ए द्वारा सूचित करते हो कैपिटल ए से, ठीक है, देखते जाइएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, देखते जाइएगा, ठीक ना। देखिएगा क्या मैं कर रहा हूँ, देखते जाइए, ठीक ना। तो देखिए, पहला मैं दे रहा हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन HYDROGEN, हाइड्रोजन सिंबल होता है H मुना, परमाणु संख्या एक, बट परमाणु भार यहाँ बता रहा हूँ, पहले एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, इसका करेक्ट वैल्यू कितना होता है, इतना AMU लिखना या ग्राम पर मोल लिखना, ठीक है, या U भी लिखना, यूनिट, इससे टेंशन मत लेना, मैं AMU लिख देता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। लेकिन नोमेरिकल वैल्यू, अंक की प्रश्न को नोमेरिकल को हल करेंगे तो हम लोग यहाँ एक लेकर चलेंगे, ठीक है, एक याद रखना। चलो, अब उसके बाद हाइड्रोजन, इसको याद कंफर्म करना होगा, बहुत सारे कंपाउंड में यह आता ही आता है, ठीक है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम ले लो, हीलियम, HELIUM, इसका होता है फर्स्ट लेटर बड़ा और छोटा लेटर, सेकेंड लेटर, याद रखेंगे। कोई भी एलिमेंट अगर दो लेटरों से, तीन लेटरों से, चार लेटरों से बनी हुई होगी, सिंबल होगा, तो पहला कैपिटल, उसके बाद सभी क्या होते हैं, स्मॉल, याद रख लेना। हीलियम की परमाणु संख्या दो और परमाणु भार सीधा सीधा चार होता है, याद रख लेना, कितना होता है, फोर। उसके बाद हीलियम के बाद में आता है लिथियम, लिथियम LITHIUM, लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li, बड़ा, देखो L बड़ा मुना, L बड़ा और I छोटा, इसका होता है तीन, ठीक है, ये होता 6.0, इसका होता है 6, देखो बताते हैं मुन्ना, नोमेरिकल वैल्यू हम लोग, समझाता हूँ, नोमेरिकल वैल्यू लेकर चलेंगे तो हम लोग 7 ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करोगे तो ये होता है, जानते हो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, ये भी बताता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू 6.94 होता है, ठीक है, लेकिन नोमेरिकल वैल्यू
ये नहीं, हम लोग ये याद करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू याद करेंगे। याद रख क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को याद करेंगे। कितना होगा, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग 7, कितना होगा 7, ठीक है। यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे न्यूमेरिकल हल करेंगे, क्लियर। अब देखो आएगा क्या चीज, बेरिलियम आएगा, बेरिलियम। अब कहोगे सर इसका मीनिंग बता दो, तो बी ई आर आई आर वाई होता है, क्या होता है, बी ई आर वाई एल आई यू एम बेरिलियम। बेरिलियम का होता है सिंबल, देखो ये दोनों संकेत ले लेना, बी ई होता मुन्ना, इसका कितना होता है तो 4 होता है, कितना मुन्ना, परमाणु संख्या 4। अब रह गई परमाणु भार की बात, तो परमाणु भार डायरेक्ट हम लोग लेते हैं कितना, इसका 9 होता है, कौन वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, याद इसी को हम लोग याद करेंगे। कौन कौन याद करेंगे अभी तक बता देता हूँ, कहीं कहीं लिथियम की जरूरत पड़ेगी, ये हमेशा याद करना, इसकी जरूरत पड़ेगी, बेरिलियम की जरूरत परमाणु संख्या की नहीं पड़ेगी। अब आता है बोरॉन, कौन आता मुन्ना, बोरॉन आता है, बोरॉन, बोरॉन, ठीक है। तो बी ओ आर ओ एन होता है, बोरॉन का सिंबल होता है कैपिटल बी मुन्ना, क्या होता है, कैपिटल बी, ठीक है। और इसको बोलते हो 5, ठीक है। ये होता परमाणु भार, एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू होता 10.81 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग याद करेंगे 11 इसका। जब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, उसी को रिमेंबर करना होगा, ठीक है। बोरॉन के बाद में कार्बन, कार्बन सी ए आर बी ओ एन, कार्बन, कार्बन का सिंबल सी होता है, और इसकी परमाणु संख्या माफ करना 6, और परमाणु भार 12, ठीक है। अब देखो इसको कन्फर्म याद करना, ये और ये अभी तक याद करना है, बीच में याद करोगे चाहे नहीं काम चल जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यहाँ लिखोगे एन आई टी आर ओ जी ई एन, ऑक्सीजन की तरह, ठीक है। तो एन होता है इसका 7 और 14, आपको इसे भी याद करना पड़ेगा, एकदम माइंड में नोट रखना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल मेमोराइज रखना पड़ेगा, याद रखना, क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बातें, हैं ठीक है, चलते हैं बात करते हैं। अब देखो उसके बाद में मैं मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कौन कौन याद करनी है मुन्ना बताओ, 3, देखो यही 3 तुम्हें याद करना है, ये भी तुम्हें याद करना है, ठीक है। कौन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लियर हो गई। चलो अपना मैं डस्टर इस्तेमाल करता हूँ और इसे मिटाता हूँ, देखिए बहुत बड़ा सा डस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी 3 याद करना है, कौन कौन, इतना लिखवा है लेकिन 3 याद करना है, कौन कौन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन अभी याद करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे, अब आता है ऑक्सीजन, कौन आता, ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई जी ई एन, ऑक्सीजन का होता है ओ 8 16। अब आता है फ्लूओरिन, तो क्या होता है, फ्लूओरिन, फ्लूओरिन, फ्लूओरिन में आप लोगों को मैं बता दूं इसका होता है F, कितना होता F। और कहोगे परमाणु संख्या सर बता दो इसका, तो परमाणु संख्या फ्लूओरिन का होता है 9, कितना 9, लेकिन परमाणु भार कितना होता 19। ऑक्सीजन भी तुम्हें याद करना पड़ेगा बलपूर्वक, मुंह पर होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है नियोन, नियोन बहुत मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, एन ई ओ एन, सिंबल यही लेना होगा एन ई, ठीक है, एन ई कितना होगा 10, कितना होगा 10।
लेकिन कहोगे परमाणु भार सर बता दो, तो 10 का परमाणु भार सीधे दुगना कर ले कितना हो जाएगा, 20, बस ठीक है। अब देखो और आप लोग को आगे चलता हूँ, फ्लोरीन की भी परमाणु भार आप लोग कन्फर्म याद करनी पड़ेगी, ये भी फॉर्मूला में आएगा, जैसे कहीं HF का निकालने के लिए अणुभार कहेगा तो जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो सोडियम एक रहा है, सोडियम 10th class में 9th class में पढ़े होंगे, NaS है ना, DIUM सोडियम, इसका होता है ये दोनों सिंबल, यानी Na होता है 11 होता है और 11 × 22 एक 23 होता है परमाणु भार, इसे तो और बलपूर्वक याद करनी पड़ेगी। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और उसके बाद सोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। आपको कहोगे सर कैसे पूछोगे, तो पूछेंगे बताओ सोडियम का सिंबल क्या होती है, Na, परमाणु संख्या कितना होता है 11, परमाणु भार कितना होता है 23, ऐसे बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता हो, मैग्नीशियम तो होता है मैग, MAG, मैग्नीशियम, SSIUM, मैग्नीशियम का MA नहीं होता है, MG इसका सिंबल होता है, क्या होता है MG, याद कर लेना MG मैग्नीशियम का होता है, और इसका होता है 12, सीधे 12 × 24 परमाणु भार इसका होता है, याद रख लेंगे, ठीक है। आगे चलता हूं, मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम, 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 ठीक है। तो एल्यूमिनियम का अब कहोगे क्या चीज की, सर इंग्लिश लिख दो, लिख देता हूं एल्यूमिनियम, MINIUM, एल्यूमिनियम, क्या हुआ ALUMINIUM, एल्यूमिनियम, इसका होता सिंबल AL, एल्यूमिनियम को बड़ा A, स्मॉल L, ठीक है। इसका होता 13 और यहाँ होता 27, 13 × 26 एक 27 हो जाता है, क्लियर हो गया होगा, मिटाएं क्या, चलिए मिटाता हूँ, ठीक है, देखते जाइएगा। अपना डस्टर अपने पास रखा हूँ, इसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखिएगा इजी वे में आप लोग समझते जाइए, इसको याद करना पड़ेगा। तो अब कहोगे सर इसमें अब इसको कौन कौन याद करना पड़ेगा, है ना, तो देखो इसको भी रिमेंबर करना पड़ेगा, इसे भी रिमेंबर करना पड़ेगा, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा नोमेरिकल में याद रखना, ठीक है। मिटाता हूँ, देखिएगा ज़रा, एकदम जीरो लेवल। अब इससे कोई खोजे कि और जीरो लेवल क्या होता है, तो कुछ नहीं होता मुन्ना, समझ गए, बस समझ जाना कि अंग्रेजी के ABCD और हिंदी में वर्णमाला में कक पढ़ा है वही है केमिस्ट्री के दुनिया में ये चीज। अगर ये जो जान गए केमिस्ट्री के, धीरे धीरे मास्टर बन जाइएगा, बशर्ते मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आप लोग को, तब जा करके हो पाएगा, नहीं तो अकेले होने वाला नहीं है मुन्ना। हम लोग एल्यूमिनियम पढ़ लिए, सिलिकन ये है तत्व मुन्ना, याद रखेंगे क्या है तत्व। अब सिलिकन का जानते होंगे आप लोग शायद, मेरे ख्याल से सिलिकॉन का SI होता है यही दोनों, ठीक है, 14 और 28, तो सिंबल हो गया SI, परमाणु संख्या हो गई 14, परमाणु भार हो गया 28। आइए अब आगे बढ़ता हूँ, सिलिकन के बाद में आएगा फॉस्फोरस, क्या चीज, फॉस्फोरस, PHO, FOROUS, फॉस्फोरस, RUS होता है, माफ कीजिएगा, क्या होता है RUS, फॉस्फोरस, इसका सिंबल केवल P होता है फास्फोरस का, क्या होता सिंबल P होता है, ध्यान रखिएगा फास्फोरस का P होता, इसकी परमाणु संख्या 15 और परमाणु भार 15 × 30 31 होता है, ये याद रखेंगे, ये सब कैलकुलेटेड, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है,
आप लोग कैसे आया ये नहीं, मैं भी याद किया था, आपको भी याद करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव ने बताया था कि मैं भी याद किया था, तुम भी याद करो और तुम्हारे भी आने वाले स्टूडेंट याद करेंगे, ठीक है। फास्फोरस के बाद में आएगा सल्फर। सल्फर को गंधक भी बोलते हो, गंधक, ठीक है, तो इसको बोलते SUL, सल्फर। क्या होता है? FUR, सल्फर। सल्फर का S होता है सिंबल, ये होता 16 और ये केवल दुगना होता 32। उसके बाद सल्फर के बाद में आने वाला है जो 17 क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का होता CH, क्लोरीन, क्लोरीन का होता है CL। क्या होता मुन्ना? CL, 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 तो ये हो गया सी छोटा एल, सी छोटा एल, ये होता ना, क्या होता, ये नहीं सी एच, नहीं सी और एल से बना है, एच को हटा देता है, ठीक है। सी एल 17, और इसका याद करना दशमलव में होता है 35.5 करेक्ट मान है। और ये जानते हो कि ये ए एम यू में होता है, मैं ये बता दूं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि एक संख्या होता है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, ध्यान रखना। अब आएगा ऑर्गन, ऑर्गन, ए आर जी ओ एन, ऑर्गन, ए आर होता है सिंबल। क्या होता है? ए आर, इसका 18 और परमाणु भार सीधे होता 40। उसके बाद ऑर्गन के बाद आने वाला जो है ये है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, 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 पोटेशियम का होता है, यहाँ इंग्लिश लिख देता हूँ, पोटासियम, डबल एस आई यू एम, इसका होता है के, याद कर लेंगे क्या, सिंबल के, और ये होता 1939, याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और है कैल्शियम, याद रखें क्या चीज़, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है क्या चीज़, सी ए एल कैल सी आई यू एम, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता सी ए, यानी 20, परमाणु भार कितना 40, 20 परमाणु भार क्या होगा 40, कंफर्म हो गए, बोलिए कोई दिक्कत है, हो गया, बोलिए हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हैं, चलिए नोट कीजिए, कॉपी कीजिए, तो इसको कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए ना, देखिए तो इसमें किसको किसको याद करना होगा ये बता दो, फास्फोरस याद करना होगा, सल्फर और क्लोरीन, पोटेशियम और उसके बाद में कैल्शियम। 100% ये जितना भी दिया हो ये सारी डाटा आप लोग को याद होनी चाहिए, और अगर नहीं ये अगर अगर ये याद कर लेते हैं तो फिर देखिएगा मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग के लिए, बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, बोल ही दिए कि बहुत कुछ कर सकता हूँ मुन्ना, ये बात आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है।